टिफपो में मुख्यालय पर क्षेत्र के अतिथि शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर सड़क पर अनोखा प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अतिथि शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष कांति मौर्य ने बताया कि सितंबर 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि शिक्षकों को लेकर कई घोषणाएं की थी, लेकिन वो घोषणाएं आज तक लागू नहीं हो सकी है। ऐसे में अब अतिथि शिक्षकों को हटाने का कार्य भी किया जा रहा है। आज सरकार अपने वादे और की गई घोषणाओं को भूल चुकी है। सरकार द्वारा की गई घोषणाओं को पूरा करने की मांग को लेकर आज सभी अतिथि शिक्षक एकजुट हुए हैं और सीएम के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा है। कांति मौर्य ने बताया कि घोषणाएं पूरी ना होने पर आज अतिथि शिक्षकों ने काला दिवस भी मनाया है। वहीं 5 सितंबर को पूरे प्रदेश के अतिथि शिक्षक मुख्यमंत्री से मिलने भोपाल जाएंगे। इसका उद्देश्य ये है कि 2 सितंबर 2023 को जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं के आदेश तत्काल रूप से जारी की जाए। उनमें मांगे जो भविष्य सुरक्षित के लिए थी वो निम्न मांगे थी, जो निम्न अनुसार है। पहली थी कि 1 साल का अनुबंध रहेगा, जो कि आदेश अभी तक हुआ नहीं है। 1 साल का अनुबंध, 12 माह का कार्यकाल, गुरु जी के तर्ज पे अनुभव के आधार पर विभागीय परीक्षा रहेगी, जिससे आपका भविष्य सुरक्षित किया जाएगा। तीसरी मांग थी कि आपको 50% बोनस अंक दिया जाएगा, जो कि आज तक तत्काल आदेश जारी नहीं किए गए हैं। यादव जी ने जब विधायक थे तो यादव जी ने ये पत्र लिखा था अतिथि शिक्षकों के भविष्य को लेकर के अतिथि शिक्षकों को समदा सारा शिक्षक बनाया जाए और उसका भविष्य सुरक्षित किया जाए, मगर माननीय मुख्यमंत्री बनने पर ये वो घोषणाओं को नकार रहे हैं। इसलिए वर्तमान मुख्यमंत्री जी से हमारा अनुरोध है कि तत्काल रूप से इन आदेशों को अमल करें।